दिल्ली दे सिख्या मॉडल दी तर्ज ते आप भगवंत मान पंजाब सरकार सूबे च सिख्या देण दे दावे करदी नहीं थक रही, पर जमीनी पद्धर ते हकीकत कुछ होर ही बयां करदी नजर आ रही है। सरकारी स्कूलां नूं सुरखी पाउडर भाव पेंट नाल रंगण नाल ओ स्मार्ट स्कूल नहीं बन जाते। इसलिए अज बच्चियां दे मापिया ने श्रोमणी अकाली दल दे साबका कौमी मीत प्रधान अभी राजपूत नाल सरकारी एलीमेंट्री स्कूल दे बाहर प्रोटेस्ट किया। तोपखाना स्कूल दे बाहर आपने दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। नहीं असी मैं अभी राजपूत जी ने आगे अगे भी बैठ करके आगे दसिया ही भी बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे है, गरीब परिवारों के बच्चे आगे इन्नी मुश्किल का सामना करना पै रहा है। बी उन्होंने माँ प्यो भी दुखी है, बच्चे भी दुखी है। तोपखाने स्कूल के बिठाया 150 बच्चा आगे थले दरिया ने बिठाते हैं आगे तो बहुत आगे बुरे हाल है आगे और बच्चों का भविष्य की आगे आप सवार जे आप बच्चों की पढ़ाई से कोई आगे ख्याल नहीं। डीओ साहब भी आगे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करते हैं भी इन्ह बच्चों का मसला छेती तो छेती हल करके इन बारे सोचा जाए क्योंकि ये गरीब परिवारों के बच्चे है, छोटे छोटे बच्चे है। जे कल इतने आगे कोई बच्चा बीमार हो गया तो वह कौन जिम्मेवार है? सहूलत थले दरिया से बिठाते हैं आगे ना कोई पखा है ते ना कोई गलबात है ते कादी सहूलत है जी इतने स्कूल ते तोपखाना कोई होर स्कूल आ इहदे विच दो मकान दिते आ ते बाहर पखे भी नहीं लगे ना अंदरां दे विच कोई सकून आ ते बच्चे इन्ने धक्के खांदे आ कदी बच्चे विच बीमार भी हो जांदे आ ते स्कूल टुट्टा पिया वा ते स्कूल वल निगाह ही नहीं इहदी जिहड़ी गौरमेंट आ जिहड़ा भगवंत मान आ उहनूं चाहीदा वी उह तां कहिंदा इवें अंग्रेजी स्कूल बणा देणे ते इत्थे ते सरकारी भी ढट गए उहनां दे वल निगाह नहीं मारदा। बैंड नूं थां नहीं आ अंग्रेजी स्कूल की बनाने सरकारी नूं सही कर दे। अफसर नहीं अफसर नूं 20 बार कहा जाके अफसर ने कोई नहीं सुनी, कोई नहीं आया, कोई इत्थे डीसी नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया भी वेखा भी स्कूल वाले बच्चे कित्थे बैंदे जिते टट गया स्कूल। जिहड़ा कि तोपखाना स्कूल भी आए है पिछले लंबे समय तो कि जिहड़ा कि मंडी स्कूल दे बच्चे स्कूल जिहड़ा कि तंग परेशान हो रहे इत्थे आके धुप्पे बैठ के पढ़न नूं मजबूर हैगे आ ते कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सहूलत नहीं हैगी ते किद्दां देखदे सारी चीज़ां नूं तुसीं? मैं अभी राजपूत सेवा का हल्का कबूतरा पिछले काफ़ी समय तो जी लड़ाई मेरे वालों जी एस वालों बाबा मुकान जी वालों बाकी सारे जोड़े बच्चों के परिवार आ उन्होंने वालों लड़ाई जी लड़ी जा रही है। जिस दिन तो मंडी स्कूल जो सरकारी आदि जी बिल्डिंग खस्ता हुई डिगी सी उस पहले दिन तो जी साढ़े वालों लड़ाई लड़ी जा रही है कि बच्चों चंकी भविख्या दे सकी चंकी जी सिखलाई दे सकी लैके जी लड़ाई चल रही थी पर जोड़ा उस तो बाद जिस दिन अं स्कूल से पहुंचे मंडी स्कूल उत्थे लाइव किया गया मीडिया राही सारा सद्या भी गया उदो इन्होंने तोपखाने शिफ्ट कर दिया गया पर जोड़े मापे थे उन्होंने वालों ये कहा गया कि सानू तकरीबन 250 बच्चा सी जी 250 बच्चे पढ़न के लिए दो कमरे दिते गए थे एक कमरा पहले दिता गया उस तो बाहर पढ़न की उन्होंने दरिया बिछा दी गई एक पास सरकार कह रही है कई बदलाव लियावांगे जेडे गरीब बच्चे गरीब परिवार उन्होंने चंगी सिक्ख्या देवांगे सरकारी स्कूलों के जिहड़ी सिक्ख्या वा प्राइवेट नालों वधिया होगी एक पास जिहड़े आ स्मार्ट स्कूल जिहड़ी घोषणा कर रहे हैं दूजे पास जिहड़ी ना ग्राउंड लैवल ते जो आ के देखिए यह सिर्फ सिर्फ लारियां वाली सरकार आ साबित हुई लोगों को किसी भी तरह की गरीब परिवारों सहूलत नहीं मिल पा रही इतों तो मुझे लगता यही साबित हो रहा कि जो पहले तो चलता आ रहा वा कि राजा का बेटा राजा बनेगा पर हुण जिहड़ा लोग समझ चुके हैं राजा उही बनेगा जो हकदार होगा। गरीब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे सरकारां डर वा वो अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेंगे।